मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षक और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया, जिसे और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने तत्पश्चात ETC का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधीक्षक को निर्देशित किए हैं कि सभी ANM एवं आशा को निर्देशित करें कि बुखार के मरीजों को सर्वेक्षण कर ETC में भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही COVID-19 विशेष सर्विलांस अभियान के निरीक्षण के लिए कई गांवों का भ्रमण किए वहां की टीमें कार्य करती हुई मिली। कार्य संतोषजनक था। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधीक्षक सहित अन्य स्टाफों को रोगी की पूरी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से और अर्बन हेल्थ पोस्ट के माध्यम से आजकल COVID-19 स्पेशल सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो 5 तारीख से 15 तारीख तक 10 दिनों का कार्यक्रम है। इसमें जो हमारे पोलियो का माइक्रो प्लान होता है, उसी के आधार पर हम लोग टीमें बनाते हैं। प्रत्येक 5 टीम पर एक सुपरवाइज़र होता है और ये टीमें घर घर जाकर कोरोना के बारे में जागरूकता, हाथ धोने, मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, इन सब बातों को हर घर में बताती हैं। हर घर से पे जाकर ये बात करती हैं कि कोई बाहर से तो नहीं आया है, कोई बीमार किसी अन्य बीमारी से, खास करके 5 बीमारियां डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, इन सब से कोई पीड़ित तो नहीं है, और लाइन लिस्टिंग भी करती हैं। ये कंटेनमेंट जोन में भी जाके जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हैं या जो सारी के केसेस, सांस फूलने के केसेस हैं, उनकी भी लाइन लिस्टिंग करती हैं और बाद में हम उनका सैंपल भी करते हैं। ये सघन अभियान शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसी का परीक्षण करने के लिए हमारे सारे एडिशनल CMOs, डिप्टी CMOs, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर, स्वयं मैं भ्रमण करता हूँ और अन्य विभाग के SDMs, BDOs भी भ्रमण करते हैं कि क्या ये कार्य सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी क्रम में मैंने भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया और वहाँ पर टीमें जो गांव में जहाँ काम कर रही थी वहाँ भी जाके देखा। कुछ कमियाँ पाई गईं, कहीं कहीं टीम समय से नहीं पहुँची, कहीं कहीं टीम ने डेट गलत लिख दिया, कहीं टीम ने स्टिकर्स एक आध जगह नहीं लगाया, ऐसा भी मिला, लेकिन वो सुधार कर दिया गया है। सभी लॉजिस्टिक उनको उपलब्ध करा दिया गया है, उनको थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया गया है और पल्स ऑक्सीमीटर से जो बीमार, जिस घर में बीमार व्यक्ति मिलेगा उसका या सांस फूलने का मिलेगा उसका वो पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है और उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। ये अभियान चल रहा है, उसी के तहत सभी लोग हमारे भ्रमण पर रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंसेफ्लाइटिस, चूँकि ये प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, ये ETC जिसको इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर कहते हैं, उसके ऊपर मिनी PICU होता है, जो 3 बिस्तरीय वेंटिलेटर युक्त तो सुविधा का होता है, वो हमारे यहाँ 3 है, फिर जिला अस्पताल और BRD। इनमें प्रोसेस ये है कि यदि कोई फीवर या हाई ग्रेड फीवर या झटके देते हुए किसी भी बच्चे को कोई भी शिकायत होती तो आशा और ANM ये फौरन उसको सूचित करती हैं हमारे MOIC को, और एम्बुलेंस द्वारा हम उसको अपने ETC पे सेंट ले आते हैं। यदि उसकी स्थिति बहुत सामान्य सी दिक्कत है तो हम वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करते हैं और वहीं से ठीक होके वो चला भी जाता है। विगत वर्ष हम लोग 932 से ऊपर करीब केसेस हम लोग वहीं से ठीक करके भेज दिए थे। यदि थोड़ा लगता है कि नहीं इसको हायर सेंटर जाना चाहिए तो नियरेस्ट हम ETC से नियरेस्ट मिनी PICU पे भेजते हैं, जहाँ पेडियाट्रिशियंस और ट्रेंड नर्सेस तैनात हैं और वेंटिलेटर की सुविधा भी है, हम वहाँ ट्रीट करते हैं। यदि कोई अन्य समस्या आ जाती है जिसमें दूसरे स्पेशलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ने की बात होती है तो हम उसे अपने जिला अस्पताल भेजते हैं, जहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और अगर जिला अस्पताल भी किसी चीज़ में नहीं कंट्रोल कर पाता तब हम उसको BRD मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि BRD मेडिकल कॉलेज कई ज़िलों के, बस्ती और गोरखपुर मंडल के कई ज़िलों का वो
करते हैं, भर्ती करते हैं केसेस सीरियस, इसलिए उनके ऊपर लोड ना बढ़े, तो हम लोग इस तरह से उसको फॉलो करें।